अब हम इसमें चाप मिक्स करेंगे, चाप को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप ग्रेवी में। इसके लिए मैंने आधा किलो सोया चाप लिए हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं सोया चाप बनाना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम चाप को स्टिक से अलग कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाती है। इस तरह से चाप को ऊपर से पकड़ेंगे और स्टिक को थोड़ा सा मूव करेंगे तो स्टिक आसानी से बाहर निकल जाती है। ये सभी चाप को मैंने स्टिक से अलग कर लिया है। अब हम इनके पीसेस करेंगे। ये देखिए, इसके ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हैं हमको, इतने बड़े बड़े हमें चाहिए होंगे। ये सभी चाप को मैंने पीसेस में कट कर लिया है। अब इनको हम साइड में रखेंगे और प्याज को कट करेंगे। ये मैंने मीडियम साइज के 5 प्याज लिए हैं। अब हम इसको लंबी लंबी स्लाइसेस में कट करेंगे। इस तरह से हम इसको काटेंगे। थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा तो भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सभी प्याज को मैंने कट कर लिया है, इस तरह का मैंने काटा है। अगर ये छोटा बड़ा रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम टमाटर को कट कर लेते हैं। मैंने इस साइज के 5 टमाटर लिए हैं। अब हम इनको 4-4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। याद रहे हमें ज्यादा लाल टमाटर नहीं लेने, थोड़े से हरे हरे ही हम लेंगे। लाल टमाटर से सब्जी मीठी बनती है। ये सभी टमाटर मैंने कट कर लिए हैं। अब इसको एक जार में डालकर इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। टमाटर की प्यूरी बनाते समय इसमें पानी डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। ये मैंने टमाटर की फाइन प्यूरी बना ली है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने मीडियम साइज का एक पूरा लहसुन लिया है, उसको छील लिया है, और साथ ही 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको छील के काट लिया है। अब इन दोनों को ही हम आम दस्ते में पीस के एक पेस्ट बना लेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ और चाप बनाना शुरू करते हैं। ये कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और गोल्डन होने तक भूनेंगे। ये प्याज अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये सभी प्याज मैंने निकाल लिए हैं। इतना गोल्डन होने तक हमें इसको भुनना है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जब तक प्याज हमारे ठंडे होते हैं तब तक इसी तेल में हम चाप को शैलो फ्राई करेंगे। ये नीचे से थोड़े थोड़े गोल्डन हो गए हैं, ये देखिए। अब हम इनको टर्न करेंगे। ये सभी चाप को मैंने टर्न कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे। ये सभी चाप दोनों साइड से अच्छे से तल गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये सभी चाप तलकर तैयार हो गए हैं। अब हम ये जो प्याज हमने भुने थे इसको मिक्सी में चलाकर इसका एक पेस्ट बनाएंगे। ये प्याज का फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको पीसते समय मैंने 1 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड किया है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ और ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने वही तेल काम में लिया है जिसमें हमने चाप को और प्याज को तला था। इसमें हमने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है। तेल गर्म हो गया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे खड़े मसाले। तेज पत्ते मैंने लिए हैं 4, थोड़ी सी दालचीनी,
दो खड़ी लाल मिर्ची, एक मोटी इलायची, दो छोटी इलायची, लौंग ली है लगभग 5, और 6-7 हमने ली है काली मिर्ची। इन सबको थोड़ा सा हम भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन को थोड़ा सा चलाएंगे, इसको थोड़ा सा हम गोल्डन होने देंगे। लहसुन थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो गया है, अब इसमें मिलाएंगे अदरक। अदरक को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने पेस्ट बनाया था, इसको अच्छे से चलाएंगे। प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि प्याज को हम पहले ही भून चुके हैं। अब इसमें मिलाएंगे टमाटर की प्यूरी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्ची 1 टीस्पून, और साथ में डालेंगे 2 टीस्पून दरदरा पिसा हुआ धनिया। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सभी मसालों को तेल छोड़ने तक हम थोड़ी देर भुनने देंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मतलब हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे 1/2 कप जितना पानी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें एक उबाल आने तक वेट करेंगे। इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, अब हम इसमें चाप मिक्स करेंगे। चाप को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको लो फ्लेम पे 4-5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और चाप को ग्रेवी के साथ अच्छे से रसने देंगे। लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये सोया चाप मसाला बनके तैयार हो गया है, इसको अब हम बॉल में निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये बॉल में मैंने निकाल लिया है, ये देखिए इसमें बहुत ही सुंदर कलर आया है। ये देखिए लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।